जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 23 नवंबर तक बताएंगे कि गुरुजी 23 नवंबर तक दरबार कहां कहां पर लगाने वाले हैं और गुरुजी धाम पर कब कब रहने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको 23 नवंबर तक संपूर्ण जानकारी पूरी डिटेल के साथ में आपको दी जाएगी, जिससे आपको कोई और दूसरी वीडियो YouTube पर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कृपया ध्यान दें और ध्यान से सुने पूरी जानकारी को, वीडियो को स्किप ना करें। और ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो बात करते हैं, गुरुजी ने आज भी धाम पर दिव्य दरबार लगाया है। 5 बजे के बाद में आज धाम पर दिव्य दरबार लगा है गुरुजी की तरफ से। और गुरुजी कल भी धाम पर रहेंगे, परसों भी धाम पर रहेंगे, फिर उसके बाद में 4 तारीख को एक दिन का दिव्य दरबार लगेगा देहरादून उत्तराखंड में। फिर गुरुजी वहां के लिए रवाना कर जाएंगे। उसके बाद में 5, 6, 7 तारीख को औरंगाबाद महाराष्ट्र में गुरुजी चले जाएंगे 5, 6, 7 को, और वहां पर कथा दिव्य दरबार लगाएंगे। यह जानकारी अभी धाम की तरफ से हमको प्राप्त हुई है, जो आपको वीडियो के द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि हम वही जानकारी देते हैं जो बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से प्रसारित करी जाती है। क्योंकि गलत जानकारी देने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है आप लोगों तक सही जानकारी आपको पहुंचाना, क्योंकि हम भी और सेवादारों की तरह आध्यात्मिक सेवा कर रहे हैं आप लोगों की, जिससे आपको सही समय पर सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो वीडियो को लंबा ना करके छोटा करेंगे। 5, 6, 7 को गुरुजी महाराष्ट्र औरंगाबाद में प्रोग्राम खत्म करने के बाद में 8 तारीख को गुरुजी धाम पर आ जाएंगे और 8, 9, 10, 11, 12 तक गुरुजी धाम पर रहेंगे। और इस बीच में दरबार भी लगाएंगे, दिव्य दरबार 8, 9, 10 तारीख को गुरुजी विशेष दरबार लगाएंगे धाम पर। और जिस भी व्यक्ति को धाम पर आना है, वह इस दीपावली के समय आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि दीपावली के समय तंत्र वादा पूरी तरीके से खत्म करी जा सकती है, क्योंकि यह एक ऐसा समय होता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर नकारात्मक शक्ति है तो इस समय पे होली दीपावली पे ज़्यादा ही तबीयत खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं और इन परेशानियों को काटा भी जाता है। इसलिए आप धाम पर आ सकते हैं और गुरुजी के साथ में दीपावली का प्रोग्राम का कार्यक्रम भी संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी कहीं भी नहीं जाएंगे, 12 तारीख तक गुरुजी धाम पर रहेंगे और अपने भक्तों के साथ में अपने घर पर दीपावली का कार्यक्रम करेंगे और दीपावली आसानी से अच्छे से मनाएंगे। तो ये रहा 12 तारीख का। 12 तारीख के बाद में मध्य प्रदेश में चुनाव का कार्यक्रम होगा और 12 से 17 तक गुरुजी अज्ञातवास कहीं चले जाएंगे साधना उधना के लिए। अभी गुरुजी ने इस बारे में नहीं बताया है कहाँ पर जाएंगे, तो जैसे ही कहीं जाते हैं तो हम आपको वीडियो के द्वारा सूचित करेंगे कि बागेश्वर गुरुजी कहां पर जाने वाले हैं। तो आपको 17 के बाद में गुरुदेव जो हैं धाम पर आपको मिल जाएंगे, और जब गुरुजी धाम पर रहेंगे तो दिव्य दरबार भी इसमें लगाएंगे। और जैसे ही 17 के बाद गुरुजी आते हैं, हम आपको वीडियो के द्वारा सूचित कर देंगे कि कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक दरबार कौन सी तारीख को लगाएंगे, जिससे आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। 17 के बाद से गुरुजी धाम पर रहेंगे और फिर उसके बाद में 20, 21, 22 को पुणे महाराष्ट्र में कथा और दरबार लगाएंगे। 23 के बाद में फिर गुरुजी धाम पर आ जाएंगे और दिव्य दरबार लगाएंगे। तो ये रही 23 तक की जानकारी। और जैसे जैसे गुरुजी के प्रोग्राम आगे बढ़ेंगे, पीछे होंगे या कैंसिल होते हैं, तो आप निश्चिंत रहें, हम यहाँ से वीडियो के द्वारा आपको बताते रहेंगे। आप चैनल पर वीडियो को देखते रहना, क्योंकि अभी बीच में हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, हमें डेंगू बुखार आ गया था, जिसके कारण 5-6 दिन रिकवर होने में लग गए और वीकनेस बहुत आ गई थी डेंगू बुखार के चलते हुए। और आप लोग भी अपना ध्यान रखें और आपको पूरी जानकारी हम देते रहेंगे। ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कोई विशेष अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है, पूछना है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम यहां से आपका रिप्लाई करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अगली वीडियो में मिलते हैं। उसके लिए जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय।